पिछोर के लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछोर एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह यादव ने थी प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भाजपा नेता जगराम सिंह यादव जी ने फीता काटकर विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विज्ञान प्रदर्शनी में लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल की छात्र छात्राओं ने विज्ञान से संबंधित कई तरह के मॉडल तैयार किए। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं नगर परिषद सीएमओ और नगर के गणमान्य नागरिक पत्रकारगण छात्र छात्राओं के पालक उपस्थित रहे। आए हुए अतिथियों ने सभी बच्चों के मॉडल देखे और उनकी प्रशंसा की। एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह यादव ने छात्र छात्राओं से चर्चा की और प्रदर्शनी देखी। विज्ञान के हर तरह के मॉडल देखकर मुख्य अतिथि एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह यादव ने छात्र छात्राओं की प्रशंसा की। स्कूल के संचालक आशीष चौधरी मनीष गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन विद्यालय में किया जाता है, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार करते हैं। मैं आपका मेरा नाम कशिश कोहली है। मैं कक्षा 6 की छात्रा आई हूँ। कशिश, आपके विद्यालय में ये विज्ञान प्रदर्शनी लगी है जिसमें बहुत से मॉडल छात्र छात्राओं ने, आपने भी बनाया है, क्या कहेंगे इससे, क्या कुछ प्रेरित हो रहे हैं लोग? हाँ, यहाँ पर काफी सारे गेस्ट आ रहे हैं और वो हमारी टेक्नोलॉजी, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने ऐसे सुंदर सुंदर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और वो डायग्राम्स वगैरह अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं और वहाँ से बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं यहाँ पर और हम लोग उनको समझा रहे हैं और वो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं और साइंस समझ रहे हैं वो लोग। अच्छा, मतलब इस प्रदर्शनी में आपको अच्छा लगा? हाँ, हमें इस प्रदर्शनी में बहुत अच्छा लगा। कुछ सीखने को मिलता है? हाँ, बहुत सारे, जैसे जो लोग रहते हैं उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो पता नहीं रहता उन्हें हम जैसे बच्चे समझा रहे हैं और वो लोग सीख रहे हैं अच्छे से। सर, लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी में अच्छे अच्छे मॉडल तैयार किए हैं, आपने प्रदर्शनी देखी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बहुत ही अच्छा एक नवाचार है विद्यालय के परिवार के द्वारा, और बच्चों के जो प्रोजेक्ट देखने के बाद महसूस होता है कि बच्चों ने धरातली रूप से उसको समझा है। बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट हैं, मैं सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद सर।